देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखे बेटे आपके लिए, प्रिपेयर कॉस्ट शीट टू कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट शीट आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर मैंने बताई थी कॉस्ट शीट, सेम ऐसी कॉस्ट शीट बननी है। टू कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट कॉस्ट निकालनी है पर पैसेंजर किलोमीटर। नोट कर लो, रजिस्टर और पेन मैंने कहा था साथ में लेकर रखना, नोट कर लिया करो, पैसेंजर किलोमीटर फॉर अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये वर्ड लिखा होगा। उसके बाद कंपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो 5 पैसेंजर बसेस चला रही है, उसको जो बस की कॉस्ट पड़ी थी 50,000, 1,20,000, 45,000, 55,000 एंड 80,000, इसका टोटल कर लेंगे बाद में पूरी कॉस्ट निकालने के लिए। ईयरली डेप्रिसिएशन लगता है कॉस्ट ऑफ व्हीकल पे 20%, यानी जितनी इनकी कॉस्ट है उसका 20% डेप्रिसिएशन है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 80% ऑफ डेप्रिसिएशन, जितनी हमारी डेप्रिसिएशन आएगी उसका 80% रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वेजेस ऑफ 10 ड्राइवर्स, 10 ड्राइवर रखे हैं कंपनी ने जिन्हें 100 रुपीज ईच पर मंथ पे करती है। ये अमाउंट बहुत छोटा मैं मानता हूं, लेकिन वैसे क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको, वेजेस ऑफ 20 क्लीनर 50 रुपीज ईच पर मंथ, ये पीएम जो लिखा है पर मंथ है बेटे। ईयरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है 4% ऑन कैपिटल। रेंट ऑफ 6 गैराज, कंपनी ने जो गैराज रखे हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, उसका रेंट पे करती है रुपीज 50 ईच पर मंथ। 6 गैराज है, एक गैराज का रेंट 50 रुपीज है। इसके बाद यहां पे आ जाइए इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर की फीस है 400 पर मंथ, ऑफिस जो आपने बनाया है वहां का कॉस्ट है 1000 पर मंथ, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, लाइसेंस एंड टैक्स है 1000 एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में 1000 रुपए कंपनी पे करती है। लास्ट में इंफॉर्मेशन दे रखी है 900 पैसेंजर बसेस कैरी करती हैं, 1600 किलोमीटर पूरे साल में बसेस इतना चलती हैं, 1600 किलोमीटर, और 900 पैसेंजर को लाती ले जाती हैं। तो कह रहे जी उसकी पर किलोमीटर पर पैसेंजर कॉस्ट निकालो। ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, इस क्वेश्चन के बाद मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने सामने रखना, अब सॉल्यूशन देखना इसका। सेम वही टेबल जो मैंने अभी आपको बताई थी, सेम वही टेबल बना लो मेरे बच्चे, पर्टिकुलर्स रुपीस याद कर लो, कितने पैसेंजर थे टोटल, जो पैसेंजर थे वो थे 900 पैसेंजर और कितने किलोमीटर जा रहे थे 1600 किलोमीटर, तो यहां पे निकाल दीजिए 900 इंटू 1600 इज इक्वल टू 1,440,000 पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है जी। ये अमाउंट निकाल के रख लेना, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ये हमारी क्या बन रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, ऊपर लिख लेना ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में क्या होता है, फर्स्ट इज स्टैंडिंग, यानी जो आपने पे करने ही करने हैं, फिक्स चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से बेटे, फर्स्ट है वेजेस ऑफ ड्राइवर, आपके ड्राइवर फिक्स हैं, बस चले चलना चले, बस आपको ड्राइवर को पेमेंट करनी पड़ती है। दे रखा है क्वेश्चन में 100 रुपीज ईच पर मंथ, 10 ड्राइवर हैं, 100 रुपीज ईच पर मंथ, इसका मतलब कितना हो गया 12,000, ठीक है। लाइन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अभी इसको ना डिवाइड करना पड़ता है, कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पैसेंजर किलोमीटर, ये यहां पे कर लीजिए थोड़ा राइट साइड पे। नेक्स्ट सेकंड दिया हुआ है वेजेस ऑफ क्लीनर, कितने क्लीनर है क्वेश्चन में देखिए, 20 क्लीनर गिवन है, 20 क्लीनर एट द रेट 50 फॉर 12 मंथ्स, सेम 12,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड आइटम दे रखी है आपने, देखो
क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल, वो जो बसेस की कॉस्ट है ना 50,000, 1,20,000, 45,55 एंड 80,000, अगर हम इसका सम कर देते हैं तो आई थिंक सो ये आ रहा है 150 और 1 लाख 3 लाख 50,000। ये जो कॉस्ट आ रही है 3,50,000, इसका 4% 4/100 कर दीजिए, 4% है 7,000, 14,000, ये आपका आ गया। नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट ऑफ 6 गैराज, ये भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं, चाहे बसेस चले चाहे ना चले गैराज का रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो रेंट ऑफ 6 गैराज 50 × 6 पर मंथ है, ठीक है जी, 3,600 रुपीज, ये आपकी कॉस्ट आ गई गैराज। नेक्स्ट डायरेक्टर की फीस, डायरेक्टर तो रखना ही पड़ेगा ऑफिस के अंदर, तो ये भी फिक्स्ड है। डायरेक्टर फीस गिवन है क्वेश्चन में 400 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, ईयरली निकाल रहे हैं 4,800। नेक्स्ट डायरेक्टर फीस के बाद है ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट ये गिवन है क्वेश्चन में 1,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 12,000। एंड लाइसेंस एंड टैक्स, ये भी मैंने आपको बताया था, लाइसेंस एंड टैक्स गिवन है 1,000 एवरी 6 मंथ, एक साल में कितनी बार पे करता है, 2 टाइम्स ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2,000। अब इन सब का सम कर दीजिए, 24, 28, 38, 48, 52, 56, 57, 58, 59, 60,400 ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है, 60,400। हमें चाहिए पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने थे, ये देखो जी टोटल पैसेंजर किलोमीटर थे 14,40,000, अगर हम इससे डिवाइड कर दें 60,400 को तो पर पैसेंजर किलोमीटर कॉस्ट आ जाती 0.042। हमें ये निकालनी होती है पर पैसेंजर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है, इसको टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे ये आपकी कॉस्ट आ गई। कौन सा एक्सपेंस निकाल दिया हमने, स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स चार्जेस। सेकेंड रनिंग एक्सपेंस, रनिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं बेटा, रनिंग एक्सपेंस यानी रनिंग चार्जेस, फर्स्ट मैंने आपको बताया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारा दे रखा है, उससे पहले क्वेश्चन में दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारे रनिंग एक्सपेंस है, बसेस चलेंगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में 20% ऑफ कॉस्ट, आपने व्हीकल की कॉस्ट निकाली थी 3,50,000 का 20% that is equal to 70,000, इसको हम साथ के साथ ही डिवाइड कर देंगे हर एक कॉस्ट की, क्यों, ये स्टैंडिंग चार्जेस बहुत सारे होते हैं, इनको प्लस करके डिवाइड करते करो, और ये रनिंग एक्सपेंस 1 और 2 होते हैं, इसलिए इसको साथ के साथ डिवाइड कर दो, 14,40,000 से डिवाइड करने पे आपका अमाउंट आ गया 0.048। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना बताया था, जितना डेप्रिसिएशन उसका 80%, डेप्रिसिएशन था 70,000 उसका 80% 56,000 डिवाइड बाय सेम 14,40,000 ये आपका आ गया 0.039। बस इनको प्लस कर दो बेटे, ये आपका आ रहा है 0.129, ये आपकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन अभी आपको सेंड करूंगा और मैं समझाऊंगा दूसरी वीडियोस के अंदर, ये आप पहले नोट कर लीजिए और सारी चीजें लास्ट में ये वैल्यू निकालनी है हमने कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है।